हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको दोबारा लेकर के आया हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, डाल चुका हूँ, लेकिन उसमें काफ़ी लोगों की शिकायत थी कि आपने वीडियो रात को बनाया है 3 बजे और ये रोड जो है पूरा अच्छी तरह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, तो आपने दिन में क्यों नहीं बनाया इस वीडियो को। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और वीडियो बनाया जाए। तो आज मैं दोबारा आपको लेकर के आया हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, और हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे निज़ामुद्दीन फ्लाईओवर की तरफ से, और हम लोग चलेंगे टूवर्ड्स हापुड़। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, और शायद इस बार ये क्लियर होगा और लोगों को शिकायत कम होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं इस वक्त हूँ निज़ामुद्दीन, और ये अशोक स्तंभ है, और ये रेप्लिका है अशोक स्तंभ का, और यहीं से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है। तो चलिए हम लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI डेवलप कर रहा है, और टोटल 4 फेजेस हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। पहले प्रोजेक्ट के अंदर आप जाएंगे दिल्ली से यूपी बॉर्डर, देन यूपी बॉर्डर से डासना, डासना से आप जाएंगे हापुड़, हापुड़ से फिर आप जाएंगे मेरठ। सो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं निज़ामुद्दीन की ओर से हापुड़ की तरफ चलूँगा, और आज इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग 2 फेज कवर करेंगे, क्योंकि मेरठ तक का सफ़र काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वाला। तो अभी ये हम लोग यमुना रिवर क्रॉस कर रहे हैं, और पहले यहाँ पर सिर्फ 2 ही ब्रिज थे इस पर्टिकुलर जगह पर। अब यहाँ पे टोटल 14 लेन का यहाँ पे फ्लाईओवर्स या पुल बन चुके हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम लोग इस वीडियो के अंदर 2 फेजेस कवर करेंगे। पहले फेज़ के अंदर जो बन चुका है दिल्ली से लेकर के यूपी बॉर्डर तक का, ये इनॉग्रेट हो चुका है, प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल इसको इनॉग्रेट किया था। और दूसरे फेज़ में हम लोग चलेंगे यूपी बॉर्डर से लेकर के डासना तक, और ये मैंने यमुना ब्रिज क्रॉस कर लिया है, और आप सामने देखेंगे बोर्ड लगा हुआ है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और लेफ्ट पे आप देखेंगे लिखा होगा मेरठ मुरादाबाद के, आपको साइन बोर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग यमुना रिवर क्रॉस कर चुके हैं, और अभी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे अक्षरधाम मंदिर आ गया है, क्योंकि वीडियो ये कैमरा बिल्कुल स्ट्रेट है तो मैं आपको लेफ्ट नहीं दिखा सकता। अभी मैं उतर के आपको अक्षरधाम मंदिर और पूरा इधर का एरिया दिखाता हूँ, और जो ये फुट ओवर ब्रिज है यहाँ से हम लोग शूट करेंगे अपना अगला वीडियो। तो मैं अभी उस फुटओवर ब्रिज के ऊपर आ गया हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी कंप्लीट 14 लेन्स आपको नज़र आ रही होंगी, और ये सीधा टूवर्ड्स मेरठ की तरफ जाता है रास्ता, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे अक्षरधाम मंदिर है। सामने नज़र आ रहा है ये अक्षरधाम मंदिर है, और ये इधर सामने मेट्रो लाइन है अक्षरधाम मंदिर की। तो चलिए अपने आगे सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो जैसा मैंने आपको अभी उस फुटओवर ब्रिज के ऊपर से दिखाया था कि 14 लेन्स आप पूरी क्लियरली देख सकते हैं, चाहे आप काउंट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और ये पहला फेज़ है जिसके ऊपर हम लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं, और ये कंप्लीट हो चुका है, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे मेरे मयूर विहार है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे लक्ष्मी नगर का एरिया है, और हम लोग चल रहे हैं टूवर्ड्स दिल्ली यूपी बॉर्डर तक। और ये मेरे जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रीज़ या थोड़े बहुत आपको शायद नज़र आ रहे हों, जो पेड़ नज़र आ रहे होंगे या फिर ये मकान नज़र आ रहे हैं, ये पड़पड़गंज या IP एक्सटेंशन है, और राइट हैंड साइड पे मेरे मयूर विहार फेज़ 2 है। और शायद मुझे अभी ड्राइव करते हुए 5 मिनट या 6 मिनट ही हुए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा, और मैं मयूर विहार पहुँच चुका हूँ। जबकि पहले जब ये एक्सप्रेसवे शुरू नहीं हुआ था तो यहाँ तक पहुँचने के अंदर कम से कम 45 मिनट्स का टाइम लगता था, इतना कंजेशन, इतना जाम इस रोड के ऊपर होता था। और आज देखो आप, बिल्कुल स्मूथली मैं दिन में चल रहा हूँ, ठीक है, और
आप देख सकते हो कि बिल्कुल एकदम स्मूथ ट्रैफिक है, क्योंकि वो डाइवर्ट हो गया अलग अलग लेन्स के अंदर। और देखिए हम लोग बात करते करते पता भी नहीं चला कब गाजीपुर आ गए हैं। जो आपको ये फ्लाईओवर आगे नजर आ रहा होगा, ये गाजीपुर का फ्लाईओवर है, और यहाँ पहुंचने में अगेन मुझे सिर्फ 2 मिनट और लगे हैं और मैं गाजीपुर पहुंच गया हूँ। और ये गाजीपुर लैंडफिल है, जो आपको उधर दूर पहाड़ नजर आ रहा होगा, पहाड़ है और काफी कुछ यूज हुआ है उस पूरे पहाड़ का, इस रोड को बनाने में। और हम लोग अब ऑलमोस्ट दिल्ली पार कर गए हैं और यूपी में हम लोग एंट्री करने वाले हैं। तो मुझे कितना टाइम लगा होगा, मुश्किल से 8 मिनट या 9 मिनट। और जहां पहले दिल्ली में मतलब निजामुद्दीन से अगर बात करूं दिल्ली में, और अगर मुझे यूपी बॉर्डर तक आना है, तो मैं नहीं समझता कि मुझे 1 घंटे से कम का समय लगता था पहले। और अब आप देखिए, और ये मैं यूपी में एंट्री कर गया हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको शायद नजर आएगा अभी, वो हिंडन एलिवेटेड रोड है, इसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में आप उसको चेक कर सकते हैं, और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। और ये सीधा जो जा रहा है ये NH24 है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, और हम लोग यूपी में एंट्री कर चुके हैं। ये फेज वन यहां तक था और अब हम लोग चल रहे हैं फेज टू पे। तो जो मैंने पहले आपको बताया, फेज वन जो था वो निजामुद्दीन ब्रिज से लेकर के, या सराय काले खां बोल सकते हैं आप, सराय काले खां से लेकर के आप दिल्ली बॉर्डर तक, यूपी बॉर्डर तक था ये पहला फेज। और अब ये सेकंड फेज है, सेकंड फेज का काम अभी भी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि हाँ करीब करीब इसका 70% काम पूरा हो चुका है फेज टू का, और आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे भी। अगर आप ध्यान दें लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि राइट हैंड साइड तो मैं नहीं दिखा सकता अभी आपको क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूं, लेकिन आप लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान देंगे तो रोड ऑलरेडी चौड़ा हो चुका है, रोड ऑलरेडी बन चुका है, इसके ऊपर सिर्फ ब्लैक चारकोल की सड़क बनानी है। और मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त नोएडा पहुंच चुका हूं और आप देख सकते हैं कि रोड यहां पे काफी हद तक चौड़ा हो चुका है। देखिए पैचेस में यहां पे काम चल रहा है अलग अलग, और क्योंकि एक साथ बनाना इतने लंबे प्रोजेक्ट को बहुत मुश्किल है, तो पैचेस के अंदर रोड्स का डेवलपमेंट हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहां पर ये दूर तक सड़क चौड़ी हो चुकी है। देखिए जिन लोगों की शिकायत है कि ये बहुत धीरे काम चल रहा है, तो मैं उनको बता दूं, हालांकि ये कोई मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, हमारे इंडिया का ही प्रोजेक्ट है, हम सबका प्रोजेक्ट है। अपने घर भी आप बनाने के लिए चलेंगे तो मुझे लगता है कि 1.5 साल तो उसमें भी लग जाएगा, और ये तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। और जितना तेज़ी से इस पर काम चल रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है, मैंने तो सुना नहीं है आज तक हिंदुस्तान के अंदर इतनी तेज़ी से कभी डेवलपमेंट या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम चला हो। तो इट इज़ अमेजिंग टू सी कि कितना तेज़ी से यहाँ पर काम चल रहा है। और आप ये सामने देख सकते हैं कि बिल्कुल ये कम्प्लीटली नया रोड बना है, पुराना रोड नहीं है ये, और जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ ये फेज टू का बिल्कुल नया रोड बना हुआ है। राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे बिल्कुल ब्लैक सड़क बन चुकी है, जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ ये भी नया रोड बना है, और पूरा आगे तक मुझे जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक ये कम्प्लीटली बन चुका है। तो ये जाम लग गया है यहाँ पर, और कभी ऐसा हो नहीं सकता जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही हो और रोड डेवलपमेंट का काम चल रहा हो और जाम ना लगे, तो ऑब्वियस सी बात है कंजेशन होगा ही होगा अभी फिलहाल। लेकिन मूवमेंट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लॉक है, धीरे धीरे गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन चल रही हैं, तो ज़्यादा बड़ा जाम नहीं था, मैं निकल गया हूँ यहाँ से। राइट टर्न लेते हैं, जो गाड़ियाँ आप देखेंगे ले रही हैं यहाँ से राइट टर्न, तो ये नोएडा एक्सटेंशन की तरफ चले जाते हैं। जाम से बाहर आ गया हूँ, मुश्किल से 2-3 मिनट लगे होंगे, और ये अभी नई रोड बनी है जो कि एक्सप्रेसवे का पार्ट है।
तो जो कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे नहीं बन रहा है या फिर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ ये 14 लेन एक्सप्रेसवे का पार्ट ही है, ये बिल्कुल नई कंस्ट्रक्शन हुई है, नया रोड बना है वाला। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे विजयनगर है और राइट हैंड साइड पे क्रॉसिंग्स रिपब्लिक। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जो मिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है वो कोई खेत से उठाई हुई आम मिट्टी नहीं है कि आपने खेत से मिट्टी उठा करके यहाँ पे आप इसकी भराव कर रहे हो, सड़क को ऊंचा उठा रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी मिट्टी लैंडफिल की है या फिर जो गाद होती है नालों की सफाई से जो गाद निकलती है वो वाली मिट्टी इस्तेमाल हुई है। आप देखिए, आप देखेंगे अगर ध्यान से तो इसके अंदर प्लास्टिक की पन्नियाँ, जैसे कि ये देखिए प्लास्टिक की पन्नी है और कपड़ा गंद गाद, ये जितना भी जो मिट्टी है ये वाली, ये सारी ये पूरी की पूरी कोई खेत से उठाई हुई मिट्टी नहीं है, ये सारी की सारी लैंडफिल या फिर जब आप नाले की सफाई करते हैं उससे जो गाद और गंद निकलता है उससे इस प्रोजेक्ट का जो है भराव हो रहा है, सड़क को ऊंचा उठाया जा रहा है। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि ये जो मिट्टी है ये कोई खेत से उठाई हुई मिट्टी नहीं है। अब इसके डबल फायदे हैं, एक फ़ायदा तो ये है कि जो जब आप इस तरह के प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं तो आसपास के जो खेती की ज़मीन है वहाँ से आपको मिट्टी उठानी पड़ती है, तब जाकर के फिर आप इसको जो है रोड का भराव करते हैं चौड़ा करने के लिए। दूसरा इसका नुकसान क्या है, उसका नुकसान ये है कि जो उर्वरक जो ऊपर की लेयर होती है परत होती है मिट्टी की खेती के लिए वो सारी उड़ जाती है जिससे खेती की ज़मीन का नुकसान है। अब जितना भी ये लैंडफिल से सब जो उठाया गया कूड़ा है और आपके जो नालों की जब सफाई होती है वहाँ से गाद निकलती है जब वो सूख जाती है तब उसको ला करके यहाँ पे डाला जाता है, तो डबल फ़ायदा है। एक तो ये कि आपको वो फ्री में मिल रही है, क्योंकि अगर आप किसान की मिट्टी उठाओगे तो आपको ऑब्वियसली पैसा देना पड़ेगा, तो किसान को पैसा तो मिला लेकिन ऊपर की लेयर उसकी ख़राब हो जाती है, खेती लायक नहीं रहती फिर वो। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपने अपने पैसों की बचत की है, तो डबल फायदे हैं, एक तरफ आप पर्यावरण का नुकसान नहीं कर रहे हो, दूसरी तरफ आप जो वेस्ट है उसको इस्तेमाल कर रहे हो। तो चलिए मैं आपको नितिन गडकरी जी जो हमारे मिनिस्टर हैं उनकी भी एक बाइट सुनवाता हूँ कि उनका इस विषय में क्या कहना है। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सीमेंट, बालू और मिट्टी तीन चीजें होती है जिसके कारण जो रोड की गुणवत्ता को मजबूत करती है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूँ क्या कोई यूनिवर्सल ऐसा कोई पैमाना जो सबके लिए ठीक हो, और उसके कारण जो कालाबाजारियां हो रही है राज्यों के भीतर रेत की, इस पर भी शायद अंकुश लग सकेगा। मैं आपके माध्यम से जानता हूँ। उन्होंने कही हुई बात बहुत सच है, एक तरफ रोड बनाने की बात करते हैं दूसरी तरफ सैंड को बैन कर देते हैं। क्योंकि सांसद यहाँ है अकोला में, एक पूरी नदी डेढ़ हो गई थी, अब पूरी नदी का पुनर्जीवन हुआ और हमने क्या किया है कि नदी और नालों का जो ये है वेस्ट है उसको एग्रीगेट को निकालकर वो रोड में यूज करने की अनुमति महाराष्ट्र सरकार ने दी और अकोला और बुल्ढाणा जिला में 88 लाख टन मटेरियल निकला। ये मटेरियल निकला वो रोड में फुकट में काम में आया जिससे रोड की कॉस्ट कम हुई और उससे दूसरा काम हो गया वाटर स्टोरेज बढ़ा। तीसरी बात, वो जियोलॉजी के विद्यार्थी है, जियोलॉजी में क्रिस्टलोग्राफी और मिनरोलॉजी है, उसमें मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस है जो रॉक का हार्डनेस बताती है, टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, अर्थोक्लेट, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। प्रॉब्लम यह है कि रोड में कोई भी पत्थर यूज नहीं हो सकता क्योंकि ये मटेरियल का लेबोरेटरी टेस्टिंग होने के बाद वो मटेरियल की स्ट्रेंथ और हार्डनेस कितना होता है उसके ऊपर होता है, और इसलिए आपका जो मार्बल का वेस्ट है उसका हार्डनेस का चेकिंग हुआ है कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर हमने एक इंस्ट्रक्शन दी है कि जिस जिस राज्यों में जो जो वेस्ट मटेरियल मिलता है, अभी मैं तो बीच में गाजीपुर की टेकड़ी का पूरा कचरा ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे में डालने के लिए मैंने कोशिश की, फिर मैंने सीआरआई से अप्रूवल मिलाया और वे पूरी टेकड़ी रोड में जाती। सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आपके शहरों में जो कचरा है उसमें प्लास्टिक, मेटल और ग्लास अलग करके
कचरा भी एग्रीगेट करके रोड में डाला जा सकता है। वेस्ट प्लास्टिक, वेस्ट रबर, नदी नालों को खुलीकरण करके निकला हुआ एग्रीगेट, हमारे माइनिंग में निकाला हुआ डंप है उससे सैंड निकालकर यूज करना, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करना और टाइम पीरियड को कम करना और अच्छे से अच्छे रोड जनता के लिए देना, टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। तो आपकी बात को पूरी तरह से इसका उपयोग किया जाएगा, ये विश्वास देना चाहिए। तो जैसा कि अभी आपने मिनिस्टर साहब को सुना, उन्होंने बोला और पूरी डिटेल में बताया कि कैसे इस रोड के अंदर गाजीपुर का जो वेस्ट है उसको यूज़ किया जा रहा है, जो नालों की गाद है उसको यूज़ किया जा रहा है और कैसे उससे कॉस्ट कम हो रही है इस प्रोजेक्ट की और दूसरी तरफ एनवायरनमेंट के लिए भी ये बहुत बेहतर है। जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये आने वाले टाइम के अंदर सर्विस रोड बनने वाली है। आप राइट हैंड साइड पे भी आपने देखा होगा कि ये जो है ये अंडरपास बनाए जा रहे हैं, तो हर कुछ कुछ दूरी के ऊपर इस तरीके के अंडरपास होंगे। और राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे एक और ये अंडरपास है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो सिर्फ दो फेजेस का रहेगा, फेज वन और फेज टू, क्योंकि अगर मैं पूरा कंप्लीट फेज फोर तक का वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, करीब आधा पौना घंटे का, और मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वो दोनों फेजेस दिखाऊंगा। मेरे पिछले वीडियो में जो मैंने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर बनाया था उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे, मैं अभी आपके साथ वो कमेंट शेयर करूंगा। कुछ लोगों का कहना था कि ये वाइडेस्ट नहीं है, चाइना के अंदर 50 लेन्स का एक्सप्रेसवे है, तुम झूठ बोल रहे हो, फला फला फला। तो मैं भाई साहब आप लोगों को बता दूं, जो लोग मुझे वो उल्टे सीधे कमेंट्स लिख रहे थे कि 50 लेन्स का जो चाइना के अंदर एक्सप्रेसवे है वो सिर्फ टोल पर 50 लेन्स है, वो एंटायर 50 लेन्स नहीं है। कैथे एक्सप्रेसवे जो अमेरिका का है वो भी एंटायर 26 लेन्स का नहीं है, वो भी पैचेस के अंदर कहीं कहीं पर 26 लेन्स का है। तो आप दोबारा रिसर्च कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा और पूरा पढ़िएगा उसके बारे में, शायद आपको पता चल जाएगा कि एंटायर 14 लेन्स फ्रॉम बिगनिंग टू एंड शायद कहीं नहीं है। अगर कहीं है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मैं डासना मसूरी पहुंच चुका हूं, तो आज का वीडियो इतना ही है फेज़ वन और टू के लिए। फेज़ थ्री और फोर के लिए जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। थैंक यू।